हेलो दोस्तों, फिर से दुनिया के एक नए अद्भुत वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे दुनिया के अनबिलीवेबल बॉर्डर के बारे में बताएंगे जो कि आपने इससे पहले दुनिया में ऐसे बॉर्डर के बारे में कभी नहीं सुना होगा और न ही कभी ऐसे बॉर्डर को देखे होंगे। हाँ दोस्तों, और आपको इस बॉर्डर के बारे में जानकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि दुनिया में भी ऐसे बॉर्डर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अद्भुत बॉर्डर के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे होटल के बारे में सुने हैं जो दो देशों से बना, या एक तरह से कहें तो एक ही बिल्डिंग में दो देशों का बॉर्डर हो, यानी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग दो देशों से बना। वो भी दोस्तों होटल ही नहीं बना है, बल्कि होटल के अंदर जितने भी चीजें अवेलेबल है वह दोनों देशों से बना है। इस होटल के हर एक चीज में दोनों देशों के एक अलग एक अपनी पहचान है, जो कि यह बॉर्डर फ्रांस और स्विट्जरलैंड का है। जो यह बॉर्डर दुनिया के सबसे अनविजुअल बॉर्डर में से एक माना जाता है, क्योंकि एक ही होटल में दो एड्रेस देखने को मिलता है, और साथ ही इस होटल को बुकिंग करने के लिए भी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग वीजा की आवश्यकता होती है कि आपको किस देश में ठहरना है, स्टे करना है, उसके अकॉर्डिंग गेस्ट को रूम दिया जाता है इस होटल में। वो भी दोस्तों रूम ही नहीं, बल्कि रूम के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल होता है दोनों देशों का बॉर्डर देखने को मिलता है। जैसे एक बेड है तो उसमें दो देशों का बॉर्डर देखने को मिलता है, यहाँ तक कि दोस्तों किचन रूम से लेकर डाइनिंग टेबल तक दोनों देशों का बॉर्डर देखने को मिलता है। वाव यार, गजब। और अब हम में से सभी के थॉट में क्वेश्चन आता होगा कि एक ही होटल को दो देशों का बॉर्डर बनाने का मतलब क्या है, कारण क्या है कि एक ही होटल को दो देशों में डिवाइड करने का कारण क्या है। तो दोस्तों, कारण यह है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच एक छोटा सा गांव था, जो कि यह गांव 1802 में फ्रांस में मौजूद था, और उसके बीच 1862 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों देशों का वाद विवाद होने के कारण इन दोनों देशों का बंटवारा किया गया। तभी दोनों देशों के बीच एक छोटा सा गांव भी था, यानी कि दोनों देशों के बॉर्डर के बीच एक छोटा सा गांव भी था, और उस गांव में एक छोटा सा होटल भी मौजूद था, और वह होटल दोनों देशों के बीच था। तभी वह होटल को दोनों देशों का बॉर्डर बना दिया गया, और इसीलिए यह होटल यानी कि यह बॉर्डर दुनिया के सबसे अद्भुत बॉर्डर में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस अद्भुत बॉर्डर के बारे में जानकारी पसंद आया होगा और भी ऐसे दुनिया के यूनिक चीजों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।